दीपक और मेरी शादी को 5 साल गुजर गए थे, मगर अभी तक हमारी कोई औलाद नहीं थी। दीपक मुझ पर भरोसा करते थे। मैं बांझ थी, मगर मैंने दीपक से झूठ बोल दिया था कि लेडी डॉक्टर ने कहा है हमारा बच्चा बहुत जल्द हो जाएगा, और दीपक ने भी मेरी बात पर विश्वास कर लिया था। लेकिन अब मैं और ज्यादा झूठ नहीं बोल सकती थी। मैं झूठ बोल बोल कर थक चुकी थी। मैंने सोचा कि मुझे सारी सच्चाई अपने पति को बता देनी चाहिए। अब मैं उसे और धोखे में नहीं रखना चाहती थी। अपने पति को हकीकत बताने से पहले एक बार मैंने अपनी माँ को फोन किया था और पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मम्मी कहने लगी, तुम ऐसा करो कि अपने पति की दूसरी शादी करवा दो, तुम्हारा पति तुम्हारा एहसानमंद रहेगा और तुम्हें छोड़ने का कभी सोचेगा भी नहीं। मम्मी की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था, साथ ही दुख भी हुआ था। मुझे यही लगा कि मेरी मम्मी मुझसे दुश्मनी निकाल रही है, क्योंकि मैंने उनकी बहुत बदनामी कराई थी। मैं गुस्से से बोली, मम्मी मुझे आपसे इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। इतना कहकर मैंने गुस्से से फोन बंद कर दिया था। शाम के समय जब दीपक घर वापस आया तो मुझे देखकर बोला, क्या बात है रूपाली, तुमने कमरे में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है। मैं बोली, मेरी किस्मत में ही अंधेरा लिख दिया गया है, उस अंधेरे का क्या करूं, मैं तो उजड़ गई हूं। दीपक कहने लगा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो, ऐसी बातें क्यों कर रही हो। मैं तुम्हारा पति तुम्हारे पास मौजूद हूँ, भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, फिर बैठे बिठाए तुम्हें क्या हो गया है। मैंने दीपक को फिर सब कुछ बता दिया कि मैं बाज हूँ और मैं कभी माँ नहीं बन सकती। आज मैं डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए गई थी, उसने कहा है कि तुम बाज हो और अब तुम उम्र भर बच्चा पैदा नहीं कर सकोगी। मेरी बात सुनकर दीपक पल भर के लिए उनके चेहरे पर उदासी उभर आई थी, लेकिन तुरंत ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, कोई बात नहीं रूपाली, मेरे लिए तुम ही काफी हो, मुझे तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। दीपक के तसल्ली देने पर मैंने अपना मूड ठीक कर लिया था, लेकिन एक दिन यह बात मेरी सास को भी पता चल गई और फिर उनका मूड बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। एक दिन हमारी पड़ोसन हमारे घर आई हुई थी। मेरी सास उनसे कहने लगी कि तुम मुझे कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ दो, क्योंकि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। हमारी पड़ोसन कहने लगी, तुम्हारी पहली बहू को क्या हो गया जो तुम अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती हो। तब मेरी सास बोली, वाह बेचारी तो बाज है, अब हमें तो अपनी नस्ल बढ़ाना है ना, इसलिए मुझे अपने बेटे की दूसरी शादी करनी पड़ेगी। यह सब बातें सुनकर मैं थरथर कांपने लगी थी। जब दीपक घर वापस आया तो मैंने रो रो कर उसे सारी कहानी सुनाई। दीपक ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे से बाहर ले गया और अपनी माँ के पास खड़ा करके बोला, मम्मी रूपाली के अलावा मैं किसी लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता और मुझे बच्चों से ज्यादा अपनी पत्नी से मोहब्बत है, इसलिए आज के बाद आप मेरी दूसरी शादी की चर्चा भी मत करना। मेरी सास ने गुस्से से सर झटका और कहने लगी, मैंने तो आज तक ऐसा मर्द नहीं देखा जो अपनी बाज पत्नी के इस कदर नाज नखरे उठाता हो। जबकि दीपक की बातें सुनकर मेरा हौसला बढ़ गया था, बहुत ज्यादा खुश हो गई थी कि कितना प्यार करने वाला पति मिला है। मैंने दिल ही दिल में भगवान को धन्यवाद दिया था कि दीपक का प्यार मेरे लिए ऐसे ही बनाए रखना। रात हुई तो मैंने सोचा कि दीपक को चाय बना कर दे दूं। मैं चाय बनाने किचन में आई तो मेरी सास के कमरे से आवाज आ रही थी। मैं अपना नाम सुनकर चौंक गई थी। मैंने गौर किया तो वह अपनी बेटी से फोन पर कह रही थी कि तुम चिंता मत करो, मैं रूपाली को तलाक दिलवा कर दीपक की दूसरी शादी जरूर करूंगी। तुम ऐसा करो कि उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढना शुरू कर दो। यह बातें सुनकर मेरे दिल पर बोझ आ गिरा था। मैं चाय बनाए बगैर ही कमरे में आकर लेट गई थी। मुझे अब अपनी मम्मी का ख्याल आया था, मगर पिछली बार उन्होंने जो मशवरा मुझे दिया था वह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। वह भी मेरी सास की तरह मेरे पति की दूसरी शादी करवाना चाहती थी। मैंने ना चाहते हुए भी अपनी मम्मी को फोन मिला दिया और मैं रोने लगी थी। मम्मी बोली, रूपाली बेटा तुम कहाँ गायब हो गई थी, क्या मेरे साथ बात करने को जी नहीं चाहता। मम्मी के बात सुनकर मुझे हैरत हुई, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी माँ मेरी खातिर तड़प रही होगी। मैं कहने लगी, मम्मी मेरी जिंदगी पहले तो बहुत ही खुशहाल थी, मगर जब से मुझे इस बात का पता चला है कि मैं बाज हूँ, तब से हर समय मेरे सर पर तलवार लटकती रहती है। मेरी सास ने पड़ोसन से कहा है कि मेरे बेटे के लिए रिश्ता ढूंढो, तो कभी अपनी बेटी से कहती है कि इस बार बहू मैं अपनी पसंद की लेकर आऊंगी, तुम अपने भाई के लिए रिश्ता ढूंढो। मम्मी दीपक बहुत ही अच्छा इंसान है, मेरी खातिर अपनी माँ से लड़ जाता है, मगर आखिर है तो मर्द ही ना, कब तक मुझे अपने दिल की रानी बनाकर रखेगा। एक ना एक दिन तो उसे इस बात का एहसास हो ही जाएगा कि उसकी जिंदगी में भी एक बच्चा होना चाहिए और उसे दूसरी शादी कर लेना चाहिए। मम्मी कहने लगी, मुझे एहसास है कि इस समय तुम पर क्या बीत रही होगी, इसीलिए तो तुम्हें उस दिन इस बात का मैंने बोला था कि तुम दीपक
कि दूसरी शादी खुद अपने हाथों करवा दो, वह अपनी करोड़ों की जायदाद यूं ही बात पर तो छोड़कर नहीं जाएगा। जाहिर सी बात है, उसे वारिस चाहिए होगा। आज नहीं तो कल वह दूसरी शादी के बारे में जरूर सोचने लगेगा। अगर तुम्हारे पति ने अपनी मर्जी की लड़की से शादी कर ली तो फिर सोचो तुम्हारा क्या होगा। मेरी मानो तो किसी गरीब घर की लड़की से उसकी शादी करवा दो, वह तुमसे दबकर रहेगी और तुम्हारी एहसानमंद भी रहेगी और कभी भी तुम्हारी जगह हासिल करने की कोशिश नहीं करेगी। बच्चे पैदा करेगी तो तुम भी बराबर की माँ कहलाने की हकदार होगी। मम्मी की बातें सुनकर मुझे लगा था कि वह बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं बोली, मम्मी आपकी नज़र में कोई ऐसी लड़की हो तो मुझे जरूर बताना। मैंने सोच लिया था कि दीपक की दूसरी शादी करवाए बगैर मेरा अब इस घर में गुजारा मुमकिन नहीं है। हालांकि यह बात मेरे दिल पर किसी कयामत की तरह गुजर रही थी कि मैं खुद अपने ही हाथों अपने पति की शादी करवा रही थी, लेकिन यह मेरी मजबूरी थी और मुझे दीपक पर विश्वास था कि दीपक का प्यार मेरे लिए कभी भी कम नहीं होगा, और इसीलिए मैं घर वालों से चोरी छुपे दीपक के लिए लड़की ढूंढने लगी थी। मैं गांव की रहने वाली थी, गांव के चौधरी और सरपंच की इकलौती बेटी थी। मेरे माता पिता और भाई मुझ पर जान छिड़कते थे। मेरी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत थी, मगर मुझे सिर्फ एक बात की कमी थी और वह यह थी कि मेरा रिश्ता मेरे माँ बाप ने बचपन में ही तय कर रखा था, और जिस लड़के से मेरा रिश्ता तय था उसका नाम मनोज था। उसने आज तक स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी थी, जबकि मैंने इंटर किया हुआ था। हमारे गांव में लड़की अगर इंटर पास कर ले तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। और फिर मनोज बहुत ही अजीब किस्म का इंसान था। शिक्षा तो मेरे भाइयों ने भी हासिल नहीं की थी, मगर वह फिर भी सुलझे हुए थे। बात करने का ढंग उन्हें आता था। मम्मी ने मेरे भाइयों की परवरिश बहुत ही अच्छे तरीके से की थी, लेकिन मनोज को तो अच्छे बुरे की तमीज तक नहीं सिखाई गई थी। गांव की हर दूसरी लड़की के साथ उसका चक्कर चलता था। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे उससे बहुत ही नफरत हो गई थी। मनोज की एक बात जो मुझे बहुत ही बुरी लगती थी वह यह थी कि गांव की हर दूसरी लड़की से चक्कर चलाने के बावजूद वह मुझसे मोहब्बत का दावा करता था। मुझे रूपाली की जगह राधा कहकर बुलाया करता था। मुझसे कहता कि राधा मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, और मैं मनोज से कहती है कि तुम्हारे लिए तो गांव की सारी लड़कियां हैं, तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। तो वह कहता है कि कृष्णा तो सिर्फ राधा के होते हैं, बाकी तो सारी गोपियां हैं। एक बार मनोज मेरे लिए गांव के मेले से कांच की चूड़ियां लेकर आया था। मनोज के इन लोफर हरकतों से मुझे गुस्सा आता था। मैं मनोज की लाई हुई चूड़ियां अपने पैरों के नीचे डालकर तोड़ दी थी। मेरी इस हरकत से मैंने पहली बार मनोज की आंखों में आंसू देखे थे, और मनोज की आंखों में आंसू देखकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था। लेकिन मनोज इतना गिरा हुआ था कि अगले ही दिन एक लड़की के साथ घूमते मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, और फिर मेरे दिल में जो उसके लिए थोड़ी सी हमदर्दी जगी थी वह भी खत्म हो गई थी। मम्मी पापा से बात करती तो वह कहते कि कोई बात नहीं, मनोज अभी बच्चा है, खुद ही संभल जाएगा। खैर, कुछ साल पहले ही मेरे बड़े भाई ने गांव में अस्पताल बनाने की एप्लीकेशन दी हुई थी। उन्हीं दिनों एक टीम गांव में आई थी और जमीन वगैरह का परीक्षण कर रही थी, और फिर गांव में एक बहुत ही बड़े से अस्पताल की बुनियाद डाली गई थी। वहां सब लोग ही पापा के डेरे में ठहरते थे। कुछ दिन बाद टीम वापस चली गई थी, मगर एक इंसान ऐसा था जो वापस नहीं गया था, और उसका नाम था दीपक। उसे गांव की आबो हवा बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए उसने पापा से अनुमति लेकर कुछ दिन यहीं रहने का इरादा बना लिया था। एक दिन मैं अपनी सहेलियों के साथ निकली तो मेरी नज़र दीपक पर पड़ी थी। पहले ही नज़र में दीपक मुझे पसंद आ गया था। दीपक की आंखों के चमक बता रही थी कि मैं भी उसे पसंद आ गई हूँ, और फिर अगली बार मैं दीपक से खुद ही मिलने चली गई थी। वह मुझे देखकर मुस्कुरा दिया था और कहने लगा, मुझे भी आपका इंतजार था। उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया। मैंने मम्मी के फोन से उसे फोन किया था, और हम दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी थी। वह कहने लगा, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। तब मैंने उसे अपने मंगेतर मनोज के बारे में सब कुछ बता दिया था। वह मेरी बात सुनकर बहुत हैरान हुआ था। कहने लगा, वह तो बहुत ही अजीब इंसान है, मैं उसके साथ दो मिनट खड़ा रहकर बात भी नहीं कर सकता, तुम उसके साथ पूरी जिंदगी कैसे गुजारोगी। मैंने दीपक से कहा कि तुम अपना रिश्ता लेकर मेरे घर आओ, हो सकता है मेरे माता पिता को मुझ पर तरस आ जाए। दीपक ने हामी भरी थी और वापस से शहर चला गया था, और फिर पूरे एक हफ्ते बाद अपनी बहन और अपनी माँ के साथ वापस लौटा था। उसने मेरा रिश्ता मांगा था, मगर मेरे पापा ने मना कर दिया था। मैं बहुत बेचैन हो गई थी, मैं हर समय रोती रहती थी। मेरी भाभी और मेरी मम्मी मेरी दिलजोई करने की कोशिश किया करती थी। एक दिन मैंने पापा से बात करने का फैसला लिया। मैंने उनसे कह दिया कि मैं मनोज से शादी नहीं कर सकती। पापा ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोले, बेटा मैंने मनोज की माँ को जबान दे रखी है, और अब वह इस दुनिया में नहीं है। मैं मनोज की स्वर्गीय माँ से किया हुआ वादा इस तरह तोड़ नहीं सकता।
पापा की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। पापा कहने लगे, कोई बात नहीं, वह समय के साथ साथ ठीक हो जाएगा। औरत अगर अच्छी और वफादार हो तो बद से बदतर लड़का भी ठीक कर लेती है। पापा यह कहकर बाहर निकल गए थे। मैंने उसी समय दीपक को फोन किया था। मैं बुरी तरह से रो रही थी। वह कहने लगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस तरह से बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। और फिर मैं भी दीपक के साथ शहर भाग आई थी। मुझे मालूम था कि मेरे पापा की बहुत बदनामी होगी, मगर मैं मजबूर थी। मैं दीपक को खोना नहीं चाहती थी। दीपक ने मेरे साथ शादी की और मुझे अपने घर ले गया था, मगर जब दीपक की माँ को पता चला कि दीपक मुझे घर से भगा लाया है, तो वह कहने लगी, बेटा तुम गांव के चौधरी का मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे डर है कि वह तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। दीपक भी एक करोड़पति बाप का बेटा था, मगर मेरी सास जरा पुराने विचारों की मालिक थी। उन्होंने घर से भागी हुई लड़की को बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने मेरे और दीपक के बीच फूट डालने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन दीपक एक अच्छा पति साबित हुआ था। जिंदगी के हर मोड़ पर उसने मुझे इज्जत दी थी। यह भी भगवान की कृपा थी कि मेरे पापा और भाइयों ने मेरा पीछा नहीं किया था, नहीं तो मेरी जिंदगी नरक बन जाती। खैर, नरक तो अब भी बनी हुई थी, क्योंकि मुझे इस बात का पता था कि मैं बाज हूँ, बच्चा पैदा नहीं कर सकती। मुझे यही ख्याल आता था कि मेरे साथ यह सब मेरे माँ बाप की बद्दुआ का नतीजा तो नहीं है। खैर, अब मैंने अपने पति की दूसरी शादी करवाने की सोच ली थी। मैं अपनी सास की जिद के आगे अपनी जिंदगी तबाह होने नहीं देना चाहती थी, इसीलिए मैंने अपनी सास से चोरी छुपे मोहल्ले की एक औरत को कुछ पैसों के बदले अपने साथ मिला लिया था। मैंने उससे कहा था कि तुम मुझे किसी मजबूर गरीब लाचार सी लड़की का रिश्ता लाकर दो और इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उस औरत ने बड़े ही गुप्त रूप से मुझे अपने घर पर बुलाया था। उसने मेरे सामने एक लड़की की तस्वीर रखी थी। मैं तो उसकी खूबसूरती देखकर ही दंग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह जैसे चांद का टुकड़ा है। रिश्ता करने वाली वह औरत कहने लगी, यह लड़की अनाथ है और अपने चाचा के साथ रहती है। इसकी चाची चाहती है कि यह जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए। मैं तो लड़की की तस्वीर देखकर बोली, आंटी मैं कभी अपने पति की शादी इस लड़की से नहीं करूंगी। उसका हुस्न तो देखो, मेरा पति तो इसके इश्क में पागल ही हो जाएगा। वह औरत कहने लगी, बेटा यह रिश्ता बहुत ही अच्छा है, इसको हाथ से मत जाने दो। यह बहुत ही सीधी सादी सी लड़की है, तुम्हारे सामने दब कर रहेगी। मेरा जी तो नहीं मान रहा था, मगर मैंने उस नैना नाम की लड़की का रिश्ता स्वीकार कर ही लिया। मैं तस्वीर लेकर घर पहुंची तो बड़ा अजीब सा मंजर देखने को मिला था। मेरा पति सोफे पर बैठा हुआ था, जबकि मेरी सास और नंद उसके सामने बैठी हुई थी। मेरी नन्नत बोली, भाई आप एक बांझ लड़की के साथ जिंदगी क्यों गुजारना चाहते हैं? मैंने और मम्मी ने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की देखी है, तुम उससे शादी कर लो। जिस पर दीपक बोला, आप दोनों अब बस भी करो, मैंने पसंद की शादी करके कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं कर लिया कि आप मुझे हर वक्त ताने देते रहते हैं। मैंने आपसे कह दिया है कि रूपाली के अलावा मैं किसी को स्वीकार नहीं करूंगा, वह मेरी पत्नी है और मरते दम तक वही मेरी पत्नी रहेगी। जहां सास और नन्नत की बातों ने मेरा दिल छलनी कर दिया था, वही दीपक की बातें सुनकर मुझे बहुत ही हिम्मत मिली थी। मैं उनसे कुछ बोले बिना ही कमरे में चली गई थी। थोड़ी देर बाद दीपक भी मेरे पीछे ही आ गया था। वह कहने लगा, तुम मम्मी और दीदी की बातों को दिल पर मत लेना। मैं बोली, आप दूसरी शादी कर ले दीपक। दीपक मेरी बात पर हैरान हो गया था। वह कहने लगा, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। मैंने कहा, आपको दूसरी शादी की इजाजत दे रही हूँ, मगर आप मेरी पसंद की लड़की से ही शादी करेंगे, अपनी माँ की पसंद की लड़की से नहीं। दीपक कहने लगा, तुम्हारे अलावा मैं किसी को स्वीकार नहीं कर सकता, फिर वह चाहे तुम्हारी पसंद की हो या फिर मम्मी की पसंद की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बोली, मुझे बच्चे की इच्छा है, आपकी शादी हो जाएगी तो हमारे घर भी बच्चे होंगे, मेरी तरसी हुई ममता को सुकून मिल जाएगा। दीपक ने इनकार कर दिया और कमरे से बाहर चला गया, जबकि मैं वहीं बैठी रोती रही। सच तो यह है कि मुझे बच्चों की कोई इच्छा नहीं थी। मैं तो यह सब बस दीपक को खोने के डर की वजह से कर रही थी। खैर, कुछ दिन मेरे और दीपक के बीच नाराजगी रही थी, मगर मैंने उसे रो रो कर दूसरी शादी के लिए तैयार कर ही लिया था, मगर मैं खुश नहीं थी। नैना को अपनी सहेली बना लिया था और जिस दिन नैना मेरी सौतन बनकर मेरे घर आई थी, मेरी सास ने खूब हंगामा मचाया था। उन्होंने दीपक के साथ भी बहुत लड़ाई की थी कि कम से कम दूसरी शादी तो मेरी मर्जी से कर लेते। सास को यूं जलता हुआ देखकर वैसे तो मुझे सुकून मिल जाना चाहिए था, मगर मैंने वह पूरी रात अंगारों पर गुजारी थी। मैं पूरी रात रोती रही थी। यह ख्याल मेरी रूह को छलनी करने के लिए काफी था कि जिस इंसान की आंखों में सिर्फ मेरे लिए मोहब्बत हुआ करती थी, आज वह किसी और को देखकर मुस्कुरा रहा होगा। जिस इंसान की बाहों में अब तक मैं सोती आ रही थी, आज उसकी बाहों में कोई और सो रही होगी।
मुझे किसी पल सुकून नहीं मिल रहा था। पूरी रात करवटें लेते लेते गुजार दी थी। सुबह हुई तो मैं जल्दी से अपने कमरे से निकल आई थी, क्योंकि मैं दीपक से मुलाकात करना चाहती थी, मगर वह तो दिन के 12 बज जाने पर भी कमरे से नहीं निकला था। मैंने अपनी सौतन नैना से पूछा तो वह कहने लगी, दीपक तो सो रहे हैं। मैंने उसकी तरफ घूर कर देखा और बोली, तुमने उसे जगाया नहीं? तब नैना रोने लगी थी और बोली, दीपक ने मुझसे कहा है कि उन्होंने यह शादी सिर्फ आपकी जिद की वजह से की है, और अब मैं किसी भी तरह उन पर अपना हक ना जताऊं, नहीं तो वह मुझे तलाक देकर घर से निकाल देंगे। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूं, मैं उन्हें जगाने की हिम्मत नहीं कर सकती। अगर उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया तो मैं कहां जाऊंगी? मैं फिर से अपनी चाची के घर जाने का सोच भी नहीं सकती। मेरी चाची मुझ पर बहुत जुल्म करती है। रिश्ते कराने वाली आंटी ने सच में बहुत ही मजबूर सी लड़की मुझे ढूंढ कर दी थी। खैर, मैंने सोचा कि दीपक मुझसे नाराज होंगे, खुद ही जब मूड ठीक हो जाएगा तो कमरे से बाहर निकल आएंगे, मगर मेरी यह गलतफहमी थी। दीपक की शादी को आज तीसरा दिन था, मगर वह अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकला था। मुझे अब अजीब से ख्याल सताने लगे थे, इसलिए जब एक दिन नैना किचन में बिजी थी तो मैं उसके कमरे में चली गई थी। दीपक अपने मोबाइल पर बिजी था। कदमों की आवाज सुनकर बोला, आ गई मेरी प्यारी नैना। शब्द थे या हथौड़े जो मेरे सर पर आकर लगे थे। मैं वापस उन्हें कदमों से लौट आई थी। क्या सिर्फ 3 ही दिनों में नैना ने दीपक को अपना बना लिया था? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मेरा दिल बहुत ही तड़प रहा था। मैं अपनी सास के कमरे की तरफ बढ़ी थी, तब पता चला कि मेरी तो नन्नत भी आई हुई थी। मेरी सास अपनी बेटी से कह रही थी, देखा तुम्हारी माँ कितनी सयानी है। मैंने एक ही चाल चली कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। रूपाली बेचारी को तो यह भी नहीं मालूम कि उसने अपनी पति की शादी जिस लड़की से करवाई है वह मेरी पसंद की लड़की थी, और फिर दीपक भी नैना पर पहली ही नजर में फिदा हो गया था। यह सब तो इस लालची औरत की वजह से हुआ है जिसने रूपाली को बेवकूफ बनाया था। यह सब सुनकर मेरा दिल फटने लगा था। मेरी सास आगे बोली, मैं रूपाली को खाने में बच्चा ना होने वाली इतनी गोलियां खिलाई है कि अब वह सच में बाज बन चुकी है। ये सब शब्द थे कि पत्थर जो मेरे शरीर पर बरस रहे थे। मैं जल्दी से अपने पति के कमरे की तरफ गई थी ताकि उसको बता सकूं कि आकर अपनी माँ और बहन की बातें सुने उन्होंने मुझ पर कितना जुल्म किया है। जब मैं दीपक के कमरे की तरफ गई तो वह नैना से कह रहा था, मैंने जज्बात में आकर बहुत ही गलत फैसला कर लिया था। जब मैं रूपाली को भगाकर लाया था तो शादी के कुछ ही समय बाद मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा था, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रूपाली के भाइयों को पता चल चुका था कि वह मेरे साथ आई है, इसीलिए वह मुझे फोन करके धमकाते रहते थे कि हमारी बहन घर से भागी जरूर है, मगर अब भी वह अकेली नहीं है। अगर तुमने हमारी बहन का ख्याल नहीं रखा तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। मैं वहाँ रहकर आया था, मुझे पता है कि वह लोग कितने खतरनाक है, इसलिए मैं रूपाली को छोड़ने का सोच भी नहीं सकता था। अब मम्मी ने मोहल्ले की एक औरत के साथ मिलकर मेरी पत्नी को पागल बनाया और उसी के हाथों मेरी शादी तुम्हारे साथ करवा दी है, और मेरी जान नैना तुम भी मुझे पहली ही नजर में भाग गई हो, जिंदगी भर अब तुम मेरे साथ रहोगी। हाय, मैं यह क्या सुन रही थी? यह वही दीपक था जिसकी वजह से मैंने खुद को दांव पर लगा दिया। मैं दबे कदमों दीपक के कमरे में चली गई थी। वह मुझे अपने सामने देखकर हैरान हो गया था। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं उसका राज इतनी जल्दी जान लूंगी। मैं बोली, दीपक अगर छोड़ना ही था तो यूं ही छोड़ देते, मुझे बाज बनाना जरूरी था क्या? किसी इंसान से भगवान की दी हुई सौगात छीन लेना उसका खून कर देने के बराबर होता है। तुम सब ने मिलकर मुझे बेमौत मार दिया है। इतना कहकर मैं उसके कमरे से निकल आई थी। वह मेरे पीछे आया था। कमरे का दरवाजा खटखटाता रहा, मगर मैंने दरवाजा नहीं खोला। फिर उसी रात में दीपक के घर से और उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल आई थी। मैं अब एक अनाथ आश्रम में रहती हूँ। मैंने दीपक से अभी तक तलाक नहीं ली है क्योंकि अब मुझे किसी भी मर्द पर विश्वास नहीं था, तो फिर तलाक लेने का क्या फायदा? मैं मम्मी से फोन पर बात कर लिया करती हूँ। वह मुझसे मिलने भी आती है, वह मुझे घर ले जाना चाहती है, मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने भाइयों और अपने बाप का सामना कर सकूं। एक दिन अपनी किस्मत पर बैठी आंसू बहा रही थी, तभी बाहर बैठा गार्ड मेरे पास आया था। उसके हाथ में एक लिफाफा था, मुझे देते हुए कहने लगा, मैडम जी यह लिफाफा एक आदमी आपके लिए देकर गया है। उस लिफाफे पर नजर पड़ते ही मुझे पहले ख्याल दीपक का आया था, और इस ख्याल के साथ ही बेतहाशा नफरत मेरे दिल में उमड़ आई। अब तो मुझे दीपक के नाम से ही नफरत हो गई थी। खुद पर हंसी आती थी कि कभी मैंने दीपक को दिलो जान से चाहा था। जी चाहा कि वह लिफाफा उठाकर अभी बाहर फेंक दूं, और अपने इस ख्याल को पूरा करने के लिए मैं आगे बढ़ ही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा, दीपक मेरे लिए इतना कब से मेहरबान हो सकता है कि वह मुझे कोई गिफ्ट भेजे? वह तो अपनी नैना में खोया हुआ है, और जो कुछ उसने और उसकी माँ ने मेरे साथ किया
उसके बाद तो मैं दीपक से किसी बात की उम्मीद ही नहीं कर सकती थी। कुछ सोचकर मैंने वह लिफाफा उस गार्ड से ले लिया और अंदर कमरे में बैठकर जब वह लिफाफा खोला तो मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई थी, क्योंकि उसमें वही रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां थी जो कभी मुझे मनोज ने दी थी। उन चूड़ियों को देखते ही मनोज का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया था। हो ना हो यह चूड़ियां मुझे मनोज ने ही भेजी थी। मैं फौरन दरवाजे की तरफ भागी थी और गार्ड से पूछा, यह चूड़ियां तुम्हें किसने दी? तो उसने बताया कि जिस आदमी ने यह चूड़ियां दी थी वह कब का जा चुका है, लेकिन साथ ही उस आदमी ने कहा था कि अगर रूपाली मैडम इन चूड़ियों को तोड़ दे तो तुम इन कांच की चूड़ियों के टुकड़ों को संभाल कर रख लेना और मुझे दे देना। यह टूटी हुई कांच की चूड़ियों के टुकड़े मेरी पूरी जिंदगी की पूंजी है। मनोज, अचानक ही मेरे लब फड़फड़ाए थे, मेरी आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। लोफर और लापरवाह मनोज का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था। क्या मनोज को मैं अब भी याद थी? क्या मनोज अभी मुझसे मोहब्बत करता है? लेकिन मैं अब किसी पर विश्वास नहीं कर सकती थी। मैं कांच की चूड़ियों को हाथ में थामे वापस कमरे में आ गई थी और अगले दिन जब मेरी माँ मुझसे मिलने आई तो मैंने मनोज के बारे में पूछा था और मनोज के बारे में जो कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई उसे सुनकर मेरा दिल तड़प उठा था। मेरी माँ ने बताया कि जिस दिन तुम दीपक के साथ घर से भाग गई थी उस दिन मनोज बहुत रोया था। उसकी चीखों से पूरा गांव अपना दिल थाम के रह गया था। वह चीख चीख कर बस राधा राधा पुकार रहा था। मुझे याद आया कि मनोज मुझे राधा ही तो पुकारता था। माँ ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद वह एकदम बदल गया था। उसने अपनी बाप की सारी जमीनों को बेचकर गांव में एक स्कूल खुलवाया था। उसे लगता था कि तुम उसे अनपढ़ होने की वजह से छोड़ गई हो। स्कूल में टीचर रखकर उसने गांव के बच्चों को फ्री में पढ़ाना शुरू किया था। साथ साथ शहर में अपना एक बिजनेस भी खड़ा किया था जो धीरे धीरे तरक्की करता गया और अब भगवान की कृपा से मनोज के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन जितना ही उसके पास पैसा है उतना ही वह गरीबों को दान कर देता है। वह कहता है कि मैं इतने सारे पैसे को अपने पास रखकर क्या करूंगा जब मेरी राधा ही मेरे पास नहीं है। ना हंसता है ना बोलता है, बस चुपचाप अपने आप में खोया रहता है। जब तुम्हारे पापा और मैं उसे देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि उसके हालात की जिम्मेदार हमारी अपनी बेटी है। मनोज के बारे में यह सब सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। जल्द से जल्द मनोज से मिलना चाहती थी। पता नहीं क्यों मेरा दिल मनोज से मिलने के लिए मचल उठा था। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मैं मनोज से एक बार मिलना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी माँ की आंखों में चमक आ गई थी। कहने लगी, रूपाली अगर तुम चाहो तो मनोज के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती हो। वह अब भी तुम्हारे इंतजार में है। लेकिन मैं अब कहाँ मनोज के काबिल थी। मैं तो एक बांझ औरत थी और एक शादीशुदा औरत थी। लेकिन मैं एक बार मनोज से मिलकर उसे माफी मांगना चाहती थी जो मैं उसकी मोहब्बत को पहचान नहीं पाई और दीपक को हीरा समझकर पत्थर से सर फोड़ बैठी थी। मैं मम्मी के साथ मनोज के घर पहुंच गई थी। उस समय मनोज अपने घर पर नहीं था। नौकर ने मुझे बाहर हॉल में ही बिठा दिया था। मम्मी और मुझे बैठे काफी देर हो गए लेकिन मनोज अभी तक नहीं आया था। तब मैंने नौकर से पूछकर मनोज के कमरे में चली गई थी। साफ सुथरा कमरा कहीं से भी मनोज का कमरा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह बहुत ही पढ़े लिखे इंसान का कमरा है। और फिर अचानक ही मेरी नजर एक ऐसे चीज पर पड़ी कि मैं वही दिल थाम कर बैठ गई थी। सामने ही दीवार पर शीशे लगे फ्रेम में उन्हीं कांच की टूटी चूड़ियों के टुकड़ों से राधा लिखा हुआ था, जिसका मतलब है मनोज मुझसे उसी समय से इतनी मोहब्बत करता था और मैं उसकी मोहब्बत को पहचान नहीं पाई थी। मनोज ने जब मुझे पहली बार चूड़ियां गिफ्ट की थी और मैंने उन्हें पैरों से कुचल कर तोड़ दिया था, मनोज ने उन चूड़ियों के टुकड़ों को संभाल कर रखा हुआ था और आज तक उन्हें संभाल कर रखे हुए थे। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और पता ही नहीं चला कब मनोज मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया था। और जब उसने राधा कहकर पुकारा तो मैं अचानक ही पलटी थी। वह तो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रहा था। वो लापरवाह सा लोफर सा मनोज कहीं खो गया था। मेरे सामने एक सज्जन व्यक्ति खड़ा था जिसे देखकर कह ही नहीं सकते थे कि वह अनपढ़ है। मैं रोती हुई अचानक ही मनोज के सीने से जा लगी थी। मैंने सारी मर्यादाएं तोड़ दी थी। मैं यह भूल गई थी कि मैं शादीशुदा हूँ और मनोज से मेरा कोई संबंध नहीं था। मनोज बहुत देर तक यूं ही खड़ा रहा और मैं मनोज के सीने से लगी रोती रही थी। मेरे मुंह से बस यही शब्द निकल रहे थे, मनोज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। शायद इसीलिए भगवान ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है। बहुत देर बाद मनोज ने मेरे सिर पर हाथ रखा था। उसने कहा, राधा मैंने तुम्हें कभी कसूरवार ठहराया ही नहीं था। गलती तो मेरी ही थी जो मैं तुम्हारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरा। मैं आंसू पोंछती हुई मनोज के सीने से अलग हुई थी। थोड़ी देर बाद मनोज बोला कि राधा मेरे दिल के दरवाजे अब भी तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। मेरे दिल में तुम्हारे सिवा कोई और लड़की नहीं है, चाहे तो झांक कर देख सकती हो।
एक पल के लिए मनोज के चेहरे पर वही शरारत उभर आई थी जो अब से 5 साल पहले वाले लापरवाह से मनोज के चेहरे पर हुआ करती थी। मैंने रोते हुए कहा, मनोज अब मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ, मैं दीपक की त्याग हुई पत्नी और एक बाज औरत हूँ। जिस पर मनोज ने कहा था कि राधा तुम मेरे लिए अब से वही 5 साल पहले वाली राधा हो जिससे मैं बेतहाशा मोहब्बत करता था और आज भी उतनी ही मोहब्बत करता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम शादीशुदा और बाज हो, लेकिन मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती थी कि मनोज की जिंदगी में रोशनी भरने के बजाय उसकी जिंदगी में अंधेरा भर देती। मैं उसे बच्चों की खुशी नहीं दे सकती थी और दीपक ने मुझे जो जख्म दिया था वह अभी ताज़ा था। पता नहीं क्यों मेरा दिल अब किसी मर्द पर विश्वास नहीं कर रहा था। मर्द आखिर मर्द ही होता है, कहीं ऐसा ना हो मनोज को भी कल बच्चों की चाहत होने लगे। और वह मुझे नजरें चुरा ले मैं रोती हुई बाहर भाग गई थी और अपनी मम्मी का हाथ पकड़कर अपने घर वापस आ गई थी। मेरे पापा और मेरे भाइयों ने भी मेरी हालत को देखते हुए मुझे माफ कर दिया था। अगले दिन फिर मनोज मेरे पास आया था। उसने उदासी भरे शब्दों में कहा था कि राधा मुझे नहीं पता था कि मेरी मोहब्बत इतनी खोखली है कि भगवान ने मुझे दूसरी बार मौका दिया और तब भी तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। अगर आज तुमने मेरी मोहब्बत को नहीं अपनाया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा, कभी लौटकर तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। मैं यह कांच की चूड़ियां तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत स्वीकार है तो उन्हें पहनकर बाहर आ जाना, नहीं तो इन्हें तोड़कर उनके टुकड़े मेरे पास ले आना। यह कहकर मनोज वह कांच की चूड़ियां मेरे बेड पर रख कर चला गया था। मैं बहुत देर तक उन कांच की चूड़ियों को देखते रही थी। भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया था, एक सच्चे प्यार को पाने का मौका दिया था और अब मैं उस मौके को छोड़ना नहीं चाहती थी। मैंने वह कांच की चूड़ियां उठाई और अपने हाथों में पहन ली थी। जब मैं बाहर निकलकर आई तो मनोज मम्मी के साथ बातों में बिजी था। मैंने अपने हाथ पीछे कर रखे थे। मुझे बाहर आते देखकर मनोज के चेहरे का रंग बदल गया था। वह शायद यही सोच रहा था कि मैं चूड़ियों के टुकड़े करके लेकर आई हूँ। और जब मैं उसके सामने आकर अपने हाथ सामने किए थे तो वह खुशी से उछल पड़ा था। उसने मम्मी का लिहाज किए बिना मेरे हाथों को चूम लिया था। मम्मी ने खासकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया था तो उसने जल्दी से मेरे हाथ छोड़ दिए थे। मैं हंसती हुई अपने कमरे में भाग गई थी। मेरी तरफ से हाँ होते ही शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। उधर मेरे भाइयों और पापा ने दीपक से तलाक लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दे रखी थी। एक हफ्ते में ही मेरा और दीपक का तलाक हो गया था और मेरी शादी मनोज से हो गई। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी बहुत ही धूमधाम से की थी। ऐसा लग रहा था कि ये शादी मेरी पहली शादी है। शादी की खुशी क्या होती है वह मुझे अब महसूस हो रही थी। इससे पहले तो मैं दीपक के साथ बस कोर्ट मैरिज की थी। सुहाग की सेज पर बैठी मैं मनोज का इंतजार कर रही थी तो मेरे दिल में कहीं से कहीं तक दीपक की परछाई नहीं थी। बस मनोज के नाम से ही दिल धड़क रहा था। और जब मनोज कमरे में आया था तो मैं और भी सिमट कर बैठ गई थी। और जब मनोज ने मुझे बाहों में भरते हुए मेरे कान के पास अपना मुंह ले जाकर मदहोश लहजे में कहा था कि राधा मैंने तुमसे नहीं कहा था कि राधा सिर्फ कृष्ण की ही है, बाकी तो सब गोपियां है, तो मैंने शर्मा कर अपना सर मनोज के सीने में छुपा लिया था। मनोज ने भी कसकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया था। मनोज के साथ जिंदगी इतनी हसीन हो जाएगी कभी सोचा नहीं था। मनोज की मोहब्बत के साए में 1 साल गुजर चुका था। मैं मनोज को अपनी और दीपक की सारी कहानी सुना दी थी। मनोज ने मेरा इलाज करवाना शुरू कर दिया था और डॉक्टर ने उम्मीद दिलाई थी इलाज के बाद में माँ बन सकती हूँ। और एक दिन मार्केट में शॉपिंग करते हुए मेरी मुलाकात दीपक से हुई थी, लेकिन दीपक के चेहरे पर जरा भी रौनक नहीं थी। मुझे देखते ही वह मेरे पास आया था, मुझे हाथ जोड़कर माफी मांगी थी। कहने लगा, रूपाली मैं और मेरी माँ ने तुम्हारे साथ जो किया उसकी सजा भगवान ने मुझे दे दी है। मेरी माँ पैरालाइज हो गई है और वह बिस्तर पर पड़ी रहती है। मेरी माँ को पोता खिलाने की बहुत जल्दी थी और जब शादी के 1 साल बाद भी नैना प्रेग्नेंट नहीं हुई तो मैंने और नैना ने अपने टेस्ट करवाए जिसमें नैना की रिपोर्ट नॉर्मल थी, लेकिन मेरी रिपोर्ट में आया कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। अब नैना दिन रात मुझे बाज होने के ताने देती है। रूपाली मुझे तुम्हारी मोहब्बत बहुत याद आती है, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता। तुम मेरी जिंदगी से जा चुकी हो, लेकिन बस एक काम कर सकता हूँ कि तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांग सकता हूँ। अगर तुम माफ कर सकती हो तो प्लीज जरूर कर देना। हो सकता है तुम्हारे माफ करने से मेरे जिंदगी में आए हुए दुख को थोड़े से कम हो जाए। मैंने कसकर मनोज का हाथ पकड़ा और मनोज की तरफ देखते हुए दीपक से कहा था कि दीपक मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। जब भगवान ने तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दे दी तो फिर भला मैं कौन होती हूँ तुम्हें सजा देने वाली। और इतना कहकर मैं आगे बढ़ गई थी। दीपक हारे हुए जुआरी की तरह मुझे देखता रहा था और मैं मनोज का हाथ थामे आगे बढ़ती जा रही थी, जहाँ आगे जिंदगी में मेरे लिए खुशियाँ ही खुशियाँ थी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक